मटर का ऐसा नाश्ता जो एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने को मजबूर हो जाएंगे। इसको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किसी में भी खा सकते हैं। सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बना। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप पोहा लिया है। पोहा को अच्छे से हमें धो लेना है 2 से 3 पानी। मैंने यहाँ पे पोहा को अच्छे से धो लिया है 2 से 3 पानी। उसके बाद हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। इस तरह से मैंने डाल दिया है सारे पोहे को। उसके बाद इसके अंदर हम जितना पोहा लेंगे उतना ही मटर लेंगे। तो 1 कप मटर डाल रहे हैं और 1 कप दही। जितना पोहा उतना ही मटर उतना ही दही। उसके बाद 2 आलू, आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से हमें पेस्ट बनाना है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं बीच में। देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इस तरह से। इसके बाद इसके अंदर ही 1 कप सूजी डालना है। सूजी को कम ज़्यादा कर सकते हैं पर 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप। सारी चीज़ें मैंने 1 कप करके डाली है तो मैंने यहाँ पे सूजी भी 1 कप डाली है। उसके बाद यहाँ पे 3 हरी मिर्ची, उसके बाद हरा धनिया डालेंगे और 1/2 कप के करीब पानी। पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से हमें इसे पीस लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पीस लिए। ये बहुत ईजी नाश्ता है, झटपट बन के तैयार होता है। उसके बाद एक बर्तन में यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर चाट मसाला जाएगा 1/2 टेबल स्पून। अगर हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब, कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर 1 प्याज डालेंगे, बिना प्याज का भी आप बना सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे। उसके बाद हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, इतना हमें रखना है। अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी कटोरी ली है, आपके पास जिस साइज़ का हो वो ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें तेल थोड़ा थोड़ा डाल के चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है आराम से निकल जाए, चिपके नहीं। अब इस बैटर में 1/4 टेबल स्पून मीठा सोडा डालेंगे, यानी बेकिंग सोडा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, बस इसको डालने से क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है थोड़ा फ्लफी बनेगा। जब हम बनाएंगे तभी डालेंगे, उससे पहले हमें नहीं डालना है। उसके बाद सब में डाल देना है, इतना आधा आधा भरना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है। देखिए, और पहले से मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसके अंदर स्टैंड रख के और इस तरह से ढक देंगे 15 मिनट तक। आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी कर सकते हैं। और 20 मिनट बाद देखिए कितना ऊपर आ गया है। अब इस प्लेट को हटाएंगे तो ये इतना हल्का नाश्ता होता है कि अपने आप ये अंदर चला जाता है। देखिए कितना ऊपर था और एकदम अंदर चला गया है। आप खाएंगे तो भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा ये नाश्ता। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से अंदर गड्ढा हो गया है, यानी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बन रहा है। उसके बाद प्लेट में पलट के और टैप टैप करना है, आसानी से निकल जाता है। देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है सारे को। और आप इस तरह से बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आपको जब खाना हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें 1/4 टेबल स्पून राई डाला है और आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 कप करके हमें इस तरह से डाल देना है और गैस का फ्लेम हाई रखना है। इसे हमें थोड़ा क्रिस्पी करना है ऊपर से, अंदर से तो सॉफ्ट रहेगा ऊपर से क्रिस्पी हमें करना है। इस तरह से हमें अलट पलट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे मटर नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप बना के उनको दे सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और फ्लफी बनता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। मैं इसको टमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको हरा धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।